अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमके पॉइंट। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी शख्सियात का ज़िक्र करेंगे कि जिनकी फील्ड उनके नाम से जानी और पहचानी जाती है, और उनकी फील्ड ने उन्हें जो नाम दिया, उन्हें जो शोहरत दी, इज़्ज़त दी और मोहब्बत दी, वो आज तक किसी दूसरे शख्स के हिस्से में नहीं आई। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम जिनका ज़िक्र करेंगे वो हैं ब्रूस ली। दोस्तों, ब्रूस ली मार्शल आर्ट का एक बहुत बड़ा नाम था। हालांकि कुदरत ने इन्हें ज़्यादा मोहलत नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो कम उम्र में कर दिखाया वो आज तक कोई ना कर सका। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंच के फासले से और सिर्फ एक उंगली से ही एक लकड़ी के तख्ते में सुराख कर देते थे। ये इनका इतना बड़ा कारनामा था जिस पर पूरी फिज़िक्स हैरान हो गई थी, क्योंकि सिर्फ एक इंच के फासले से इतनी कुव्वत, इतनी पावर जमा नहीं की जा सकती कि उससे लकड़ी के एक तख्ते में सुराख कर दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ब्रूस ली ही कर सकते थे, और आज भी मार्शल आर्ट में जो मकाम ब्रूस ली को हासिल है वो आज तक किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आया। दोस्तों, इसके बाद हम जिक्र करेंगे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सिर्फ 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बन गए। ये बॉडी बिल्डिंग में इतना कमाल कर गए और इतनी शोहरत, नामवरी और इज़्ज़त हासिल कर गए जो आज तक बॉडी बिल्डिंग ने किसी दूसरे को नहीं दी। बॉडी बिल्डिंग में बड़े नाम आए और बड़े नाम चले गए, लेकिन जो अहमियत आर्नोल्ड की थी वो आज तक किसी दूसरे को नहीं मिली। हालांकि उनका बॉडी बिल्डिंग का दौर आज से कई दहाइयाँ पहले था, लेकिन फिर भी आज का नौजवान उनको अपना आइडियल मानता है, और आज तक उनकी अहमियत बॉडी बिल्डिंग में वैसी ही बरकरार है जो उस दौर में थी जब ये मिस्टर यूनिवर्स बने थे। दोस्तों, हमारे पास तीसरी शख्सियत है अब्दुल सत्तार एधी। दोस्तों, जब भी इंसानियत की फलाह बहबूद की बात आती है तो हमेशा सिर्फ एक शख्सियत और सिर्फ एक नाम सामने आता है, वो है अब्दुल सत्तार एधी। दोस्तों, फलाह बहबूद के शोबे में जो काम अब्दुल सत्तार एधी ने किए वो आज तक कोई दूसरा इंसान ना कर सका। इन्होंने वसाइल ना होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम की और इतना काम किया जितना कि कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और इनका इस फील्ड में इतना नाम, इतनी इज्जत और इतनी शोहरत है कि जो किसी दूसरे शख्स को आज तक नसीब नहीं हुई। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आते हैं मोहम्मद अली। दोस्तों, मोहम्मद अली बॉक्सिंग के एक बहुत बड़े नाम थे। मोहम्मद अली की ज़्यादातर वजह शोहरत उनका इस्लाम कबूल करना भी था, लेकिन वो इतने शानदार और माहिर बॉक्सर थे कि वो कभी भी नहीं हारे। उनके बाद कई सारे माहिर बॉक्सर्स आते रहे जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन आज तक बॉक्सिंग में जो नाम, जो इज्जत, जो शोहरत और जो जगह मोहम्मद अली को मिली वो आज तक किसी दूसरे शख्स के हिस्से में नहीं आई। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आते हैं गामा रुस्तम ज़मान। गामा रुस्तम ज़मान देसी कुश्ती या देसी पहलवानी का एक बहुत बड़ा नाम थे। ये भी याद रहे कि गामा रुस्तम ज़मान बेगम कुलसुम नवाज़ के रिश्ते में नाना हैं। दोस्तों, गामा रुस्तम ज़मान को उस्तादों का उस्ताद कहा जाता है। ये अपने वक्त के इंतहाई बड़े और इंतहाई माहिर पहलवान थे। इनका कद काठ कुछ ज़्यादा नहीं था, इनका कद सिर्फ 5.5 फुट 5 इंच था, लेकिन ये उसके बावजूद इंतहाई कामयाब पहलवान बने और ये कभी भी नहीं हारे। और इन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र तक भी बड़े बड़े पहलवानों को चित कर दिया था, हरा दिया था और बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम किए थे। और इनकी खुराकें देखकर भी आम इंसान घबरा जाता था, और इनकी तरह कसरत करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, इन्होंने जितना नाम पहलवानी में कमाया, जितनी शोहरत कमाई, वो बाद में आने वाले नहीं कमा सके, और इनके आने और जाने से इनकी देसी कुश्ती और देसी पहलवानी को वाकई में फ़र्क पड़ता था, और आज देसी कुश्ती और देसी पहलवानी का ये दूसरा नाम बन चुके हैं। आज भी हर नए आने वाले पहलवान के लिए ये आइडियल हैं
हालांकि इनका दौर कई दहाइयां पहले था और इनको अब दुनिया से गए हुए भी काफ़ी अरसा बीत चुका है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कुछ माहिर और कुछ ऐसी शख्सियात के बारे में जिनका उनकी फील्ड में कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन दोस्तों, इंशाल्लाह हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई शख्सियात के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।